IMF ने बिजली की कीमतों में रिलीफ देने की हुकूमती दरख्वास्त जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली है। 201 से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फीन को रिलीफ पर इत्तफाक नहीं हुआ और 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फीन को गैस का बिल किस्तों में भरने की इजाज़त मिलने का इम्कान है। आखिरी तारीख गुजरने के बाद बिल अदायगी पर जुर्माना भी नहीं होगा। ये रिलीफ सिर्फ अगस्त के महीने के लिए दिया गया। बिजली की कीमतों के हवाले से आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमती कोशिशें जारी हैं। ज़राए के मुताबिक IMF ने 201 से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को रिलीफ देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ताहम 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को किस्तों में बिल भरने की इजाज़त देने पर इत्तेफाक हो गया। आखिरी तारीख गुजरने के बाद बिल की अदायगी पर जुर्माना नहीं होगा। ये रिलीफ अगस्त के महीने के लिए दिया गया है। ताहम फैसले की हतमी मंजूरी भी निगरान वफाकी काबीना से ली जाएगी। इस इक़दाम से तकरीबन 40 लाख बिजली सारिफीन को हालिया बिल में रिलीफ मिलेगा। IMF ने बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन और रिकवरी पर भी जोर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।